यूरिकाइन टेबलेट जो है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसको मैन्युफैक्चर और सेल करती है। यूरिकाइन टेबलेट का उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होने वाले मसल स्पाज्म को सही करने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यूके मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूरिकाइन टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि फ्लेवेक्सोस्टेट यानी कि यूरिकाइन टेबलेट का क्या यूज होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, किस किस ब्रांड नेम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, तथा ये भी बात करूंगा कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस टेबलेट को लेते टाइम पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, अगर बात करें यूरिकाइन टेबलेट की तो इसमें जो इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है फ्लेवेक्सोस्टेट टेबलेट। 200 mg का कंटेंट्स होता है इसमें, यानी कि जो यूरिकाइन टेबलेट होता है वो फ्लेवेक्सोस्टेट टेबलेट 200 mg की दवाई होती है इसमें। इसका जो MRP होता है वो होता है 184 रुपये 10 गोली का, यानी कि पर टेबलेट इसकी जो MRP होती है वो करीब 18 से 19 रुपये की होती है। मैनकाइंड की जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चर और सेल करती है। बात करें कि इसको किस किस ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे, तो दोस्तों ये कई तरह के ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है मार्केट में, पर जो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है उसमें यूरिकाइंड, इसके अलावा यूरी स्पास, इसके अलावा यूरो 3, यूरोसिप जैसी कुछ ब्रांड नेम है जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। इस ब्रांड नेम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल सकता है। बात करते हैं इसके यूजेज की कि क्या क्या है इसका। तो दोस्तों, फ्लेवेक्सोस्टेट टेबलेट का उपयोग किसी भी तरह के यूरिनरी कंडीशन को सही करने के लिए, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो मसल स्पाज्म हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो उस मसल स्पाज्म को सही करने के लिए फ्लेवेक्सोस्टेट टेबलेट काफ़ी उपयोगी होता है। इसको लेने की वजह से जो उसके एसोसिएटेड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब में जलन होना, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब के थैली में सूजन होना, इसके अलावा जो यूरिथ्रा होता है जो पेशाब की नली होती है उसमें किसी तरह के मसल स्पाज्म होना, जैसे सभी तरह की समस्याओं को सही करने के लिए ये टेबलेट काफ़ी उपयोगी होता है। यूरिकाइन टेबलेट सभी तरह की जो पेशाब की समस्याएं होती हैं, जैसे कि बार बार पेशाब लाना, इसके अलावा रात्रि के टाइम ज़्यादा पेशाब आना, इसके अलावा जो फ्लो ऑफ यूरिन होता है वो कई बार कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को सही करने के लिए भी यूरिकाइन टेबलेट काफ़ी उपयोगी होता है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें जो है इसको लेने की वजह से कई बार जो है ड्राई माउथ होना, नाजिया, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, इसके अलावा कई तरह की और दिक्कत जैसे कि हेडेक होना, इसके अलावा नर्वसनेस होना जैसी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इसको लेने की वजह से, जो कि एक टाइम के बाद अपने आप सही हो जाता है। पर यदि किसी को इससे कोई विशेष दिक्कत होती है तो तुरंत इस दवाई का उपयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। बात करें अगर इसके कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यूरिकाइन टेबलेट को लेते टाइम पे, तो दोस्तों यूरिकाइन टेबलेट ऐसी महिलाओं को नहीं लेना चाहिए जो गर्भवती हैं अथवा जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, और प्रेग्नेंट वुमेन को यह टेबलेट नहीं लेना चाहिए, कंट्राइंडिकेटेड होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें कि लीवर या गुर्दे की कोई पुरानी बीमारी है, वो भी इस टेबलेट का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब बात कर लेते हैं कि क्या डोज होता है इसका और किस तरह से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो यूरिकाइन टेबलेट का उपयोग मुख्यतः जो है BD डोज होता है इसका, एक गोली सुबह शाम इसको लेना रहता है। पानी के साथ में इसको आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूध के साथ भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे उस हिसाब से इस दवाई का प्रयोग करें। तो ये रही कंप्लीट जानकारी यूरिकाइन टेबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें ताकि बहुत से लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।